लगता है कि मंथली एक्सपायरी के तूफान के पहले की खामोशी है, थोड़ा सा सुस्त है बाजार क्योंकि ग्लोबल क्यूज कम है, लोकल क्यूज भी कम है, खबरें कम है और एफआईज और लोकल फंड्स का एक्शन भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा किसी एक तरफ आपको नजर नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा समय मुझे लगता है कि बाजार बिताना चाहते हैं, लाइफ हाई बनाने के बाद इन लेवल के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद नए और बड़े की तैयारी होगी। और इस कंसोलिडेशन में निफ्टी 21,900 इसके आसपास इसके थोड़ा सा नीचे अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और ऊपरी तरफ और 22,300 के आसपास की रेंज है, तो ये 400-450 पॉइंट की रेंज ऐसी है जिसमें बाजार थोड़ा वक्त बिताता हुआ आपको नजर आएगा। एक बार 22,000 के ऊपर जब तक निफ्टी बंद हो रहा है तब तक कोई चिंता की बात है नहीं। पिछले पूरे हफ्ते और इस हफ्ते भी हम लगातार देख रहे हैं कि आज भी उम्मीद है कि 22,000 के ऊपर बंद होगा। पिछले हफ्ते पूरे हफ्ते हमने 5-6 ट्रेडिंग सेशन 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखी है, तो जब तक माफ कीजिएगा जब तक 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक कमजोरी के बिल्कुल भी संकेत है नहीं और आपको खरीदारी के रुझान के साथ बने रहना चाहिए। अब जहां तक आज के बचे हुए डेढ़ घंटे का सवाल है और कल के लिए स्ट्रेटेजी का सवाल है, डाउ फ्यूचर्स हल्के से कमजोर है लेकिन कोई खास वहां से भी ऐसे बड़े संकेत नहीं कि बहुत बड़ी कमजोरी के संकेत आ रहे हो। सो करना ये कि 22,000-22,075 की रेंज में अगर आज आपसे एक डेढ़ घंटे में बाजार आपको देखने को मिलता है निफ्टी पर, तो वहां पर आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां पर थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 22,225-22,300 तक अगर आता है तो इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ये रेंज आपके लिए मुनाफा उछलने के लिहाज से ठीक है, 22,225-22,300 की रेंज में। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 47,000 एक मिडिल पॉइंट है और 500-500 पॉइंट की मूव दोनों तरफ है, ऐसे में 46,400-46,550 को आप एकदम मजबूत सपोर्ट के तौर पर मान के चले, जो आसानी से टूटने वाला है नहीं। और इस रेंज में अगर आता है तो यहाँ पर आपको हल्की फुल्की खरीदारी करनी है। जो डेटा बने हुए उसके हिसाब से 47,000 को पार करने में थोड़ा सा मुश्किल होगी। आज भी हमने 46,900 के आसपास का हाई बनाया, तो 47,000 के करीब आने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है और अच्छी रेंज जो है ऊपर में 47,000-47,200 है जहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में बैंक निफ्टी में सोच सकते हैं। बाकी रहा सवाल ब्रॉडर मार्केट का और डेटा के लिहाज से, तो पुट कॉल रेशियो के लिहाज से दीप मुझे लगता है कि मार्केट हल्के हैं वीकली एक्सपायरी के पहले। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कोई खास ऐसी बड़ी पोजीशन है नहीं जिससे डर लगे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1 से नीचे 0.94 है, बैंक निफ्टी तो और भी बेटर है 0.80 के आसपास से, तो हल्के बाजार हैं। ज्यादा पोजिशन लॉन्ग और शॉर्ट साइड पर दोनों ही तरफ कम है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जरूर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं आपको। ब्रॉडर मार्केट में बढ़ने वाले शेयर थोड़े कम है, घटने वाले थोड़े से ज्यादा है, तो वहां पर आपको सेलेक्टिव होना है और जो सेक्टोरल रोटेशन चल रहा है उसके हिसाब से आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी करनी है। तो ऐसे कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं बाजार में, ट्रेंड अभी भी तेजी की तरफ ही है। एक ही फॉर्मूला सिंपल ध्यान में रखिए, जब तक 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक कमजोरी नहीं सोचनी, 22,000 के नीचे बंद होंगे तो फिर वहां पर सोचेंगे कि आगे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और ऊपर में अगर 22,300 जो लाइफ हाई है 22,297 उसके ऊपर बंद होता है तो फिर आप और बड़ी तेजी के लिए तैयार होंगे। जी अंडरस्टूड।